हेलो नमस्ते, मैं हूँ कविता और स्वागत है आपका टॉक्स एंड मॉक्स में। आज हम बात कर रहे हैं 30 होम रेमेडीज फॉर कॉन्स्टिपेशन, घरेलू उपचार जब बच्चे को कब्ज हो जाए तो क्या क्या किया जा सकता है घर में। ऐसे 30 उपाय हम बता रहे हैं यहाँ पे। आपको कैसे और कब पता चलेगा, आप कैसे देख सकते हैं कि आपके बच्चे को कब्ज है? एक कारण ये रह सकता है कि उन्होंने हफ्ते में 3 से कम बार मलत्याग किया हो या पूप किया हो, या दूसरा ये हो सकता है कि उन्होंने या वो बहुत पेट दर्द के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, पेट दर्द है उन्हें, उनका स्टमक ब्लोटेड दिखता है आपको। और तीसरा ये हो सकता है कि उन्होंने मलत्याग करते वक्त बहुत पेन के बारे में कंप्लेन किया हो, वो बहुत दर्द से गुजर रहे हों मलत्याग या पूप करते वक्त। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं। और ऐसे वक्त पे आप क्या कर सकते हैं घरेलू उपचार, 30 आसानी से उपचार हैं यहाँ पे इस वीडियो में हमने दिखाया है। तो क्योंकि चलिए देखते हैं 30 होम रेमेडीज फॉर कॉन्स्टिपेशन या 30 घरेलू उपाय कब्ज के लिए बच्चों। छः महीने के कम आयु के बच्चे के लिए ये शारीरिक उपचार कर सकते हैं, व्यायाम। संभवतः जब आप अपने नन्हे के शरीर की मालिश करते हैं तो आप उसके अंगों का व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि आप उसके साथ खेल रहे हों। इससे मांसपेशियों में लचीलापन रहता है व चयापचय में सुधार लाने में मदद मिलती है। पेट की मालिश, शिशुओं में कब्ज के इलाज के लिए पेट की मालिश बहुत प्रभावी है। अपने उंगलियों का इस्तेमाल करके बच्चे के पेट के ऊपर क्लॉकवाइज दिशा में मालिश करें। मालिश असुविधा और दर्द को कम करने में मदद करता है और बच्चे को सुकून दिलाता है। गर्म पानी से स्नान, सोने से पहले गर्म पानी से स्नान रात के दौरान चयापचय में वृद्धि करने में मदद कर सकता है और आपका बच्चा अगली सुबह अच्छी तरह से मल करेगा। पान की पत्तियां या बीटल लीव्स, परंपरागत रूप से पान की पत्तियों को पाचन सुधारने के लिए जाना जाता है और इससे कब्ज की संभावना कम हो जाएगी। यदि आप स्तनपान करा रही हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अपने भोजन के बाद उस पत्तों को खाएं। यह आपके बच्चे को मल त्याग में मदद करेगा। आप पान के पत्तों को गर्म भी कर सकते हैं और जल्दी से राहत के लिए इसे बच्चे के पेट पर रख सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि पत्ती का तापमान गुनगुना है, बहुत गर्म नहीं है। हिंग या असाफोटिडा, ये एक प्राकृतिक तरीके से आपके बच्चे को गैस या बदहजमी से रिलीफ दे सकता है। इसका एक घोल गर्म पानी के साथ बना के बच्चे के पेट के ऊपर मसाज कीजिएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बच्चे को बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अभी हम दिखाएंगे थोड़े फल जो उन्हें 6 महीने के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं। प्रूनस है सूखे प्लम। बच्चों में कब्ज को दूर करने के लिए प्रून सबसे अच्छा भोजन है। ये फाइबर में समृद्ध है और यह एक प्राकृतिक स्नोत है। सूखे प्लम समान रूप से अच्छे हैं क्योंकि वे दोनों घुलनशील और अघुलनशील, मतलब सॉल्युबल एंड सॉल्युबल फाइबर में समृद्ध हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। नाशपाती, ये फाइबर और विटामिन में समृद्ध है। ये मल विसर्जन को आसान करता है और कब्ज से राहत देने के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। आप या तो अपने बच्चे को फल के रूप में कट करके पीसेस दे सकते हैं या फिर इसका प्यूरी बना के भी दे सकते हैं या जूस बना के। पीचस या आड़ू, सूखे या ताजे आड़ू बच्चों के लिए स्वास्थ्य प्रदायक फलों में से एक है। इस फल में फाइबर सामग्री बहुत अधिक है, खासकर अगर आप छिलके के साथ खाते हैं और इसे प्यूरी के रूप में भी या फल के रस के रूप में भी छोटे बच्चों को दे सकते हैं। पपीता, पपीते को सबसे अच्छे फलों में से एक माना जाता है जो कब्ज से परेशान बच्चों पर अद्भुत काम करता है। पपीते में पॉपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो जटिल प्रोटीन अणुओं को पचाने में मदद करता है और पाचन प्रक्रिया को गति देता है। पपीता फाइबर में समृद्ध है और इसमें एक प्राकृतिक रेचक और विटामिन सी भरपूर है जो मल को नरम करने में मदद करता है। अनानास, इसकी उच्च फाइबर सामग्री के कारण कब्ज और अनियमित बॉल मूवमेंट का इलाज करने के लिए अनानास को सबसे अच्छा फल माना जाता है। अनानास में ब्रोमेलन नामक एक एंजाइम होता है जो आंत्र को काम करने की क्षमता में सुधार करता है। अन्य फल जो कब्ज के लिए बड़े बच्चों को दे सकते हैं आप, जैसे केला,
हमारे ब्लॉग में कच्चे केले का पाउडर कैसे बनाया जाए, केरल के कच्चे केले का मेथड दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इसे छोटे बच्चों को दलिया बना के दे सकते हैं, इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और बड़े बच्चों के लिए आप नॉर्मल केला ही यूज़ कर सकते हैं, जो अच्छी तरह से पका हो वही केला लीजिएगा। और ये सारे व्यंजन हैं हमारे ब्लॉग में, जैसे केला सूजी हलवा, केरल के केले का हलवा, पोहा और केले का दलिया, ओट्स का पैनकेक केला यूज़ करके। इसका लिंक हमारे ब्लॉग में torturemoms.com में दिखाया जाएगा आपको, वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑरेंज या संतरा, संतरे खनिज और विटामिन में समृद्ध हैं और बच्चों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। संतरे कब्ज़ की संभावना को कम करने में सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइबर में उच्च है। यदि आपका बच्चा कब्ज़ से परेशान है तो उसे संतरा फल या उसके रस के रूप में देने का प्रयास करें। अमरूद, अमरूद अपने आप में संपूर्ण फाइबर आहार है और बच्चों में कब्ज़ के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। हर दिन आपके बच्चे के आहार में एक अमरूद को शामिल करने का प्रयास करें। अभी चलते हैं मेवे या ड्राई फ्रूट्स की ओर। खजूर, खजूर एक संपूर्ण फाइबर आहार है जिससे मल चिकनी आंत्र से आसानी से निकल जाता है। आप पानी में खजूरों को भिगोकर बच्चे को खिला सकते हैं या खजूर का तरल पदार्थ बनाकर अपने बच्चे के भोजन में शामिल कर सकते हैं। खजूर को उपयोग करके हमारे ब्लॉग में थोड़े रेसिपीज़ हैं, डेट्स वॉलनट ओटमील, खजूर और अखरोट के ओटमील, खजूर के साथ गाजर का खीर, खजूर और पोहा का खीर, इन सबको आप अपने बच्चे को इस दौरान बना के खिला सकते हैं। किशमिश, किशमिश को एक प्राकृतिक जुलाब के रूप में माना जाता है और यह भी अघुलनशील इनसॉल्युबल फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। इससे मल को शरीर के माध्यम से गुजरने में मदद मिलती है। किशमिश मल को एकत्रित रखता है और उससे एक नरम बनावट मिलती है। मुट्ठी भर किशमिश को रात में पानी में भिगोएं, अगले दिन इससे रस निचोड़ दें और इसे खाली पेट पीने से अच्छा परिणाम मिलता है। खुबानी या एप्रिकॉट, खुबानी में पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर होता है जो आंत्र सिंड्रोम और कब्ज़ के उपचार में मदद करता है। इसके अलावा इसमें बीटा कैरोटीन भी शामिल है जिसे एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। आप दूध में कुछ खुबानी मिलाकर अपने बच्चे को खिला सकते हैं या इसका जूस बना के भी दे सकते हैं। अंजीर, अंजीर फाइबर का एक बड़ा स्रोत है और मल को नरम बनाकर मल विसर्जन में मदद करता है। कच्चे या सूखे किसी भी रूप में अंजीर का सेवन कब्ज़ को ठीक करने में सहायता करता है। आंतों की कार्य क्षमता सुधारने में मदद करने के लिए शिशु आहार में पकाने के दौरान इन सारे अवयवों को जोड़े जो आगे मैं बता रही हूँ, जैसे जायफल। जायफल में उपस्थित फाइबर सामग्री बॉवल मूवमेंट में मदद करती है। एक पीसने वाला पत्थर लें और उस पर कुछ दूध डालें। इसमें पूरे जायफल को गोल गोल घूमते हुए रगड़ें और पेस्ट बना लें। इस पेस्ट की एक चुटकी अपने बच्चे को चटाएं, या फिर बड़े बच्चों को सूप खिला रहे हैं तो सूप में एक पिंच इसे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अदरक और शहद, शहद एक प्राकृतिक लैक्सेटिव है और कब्ज से राहत में फ़ायदेमंद है। एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आप प्रतिदिन एक चम्मच शहद और गुनगुना पानी मिलाकर दे सकते हैं। बेहतर परिणाम के लिए आप इसमें अदरक कद्दूकस करके मिला भी सकते हैं। नींबू, ये विटामिन में समृद्ध है जो अपच के उपचार में मदद भी करता है। मल को नरम करने के लिए और बॉवल मूवमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए एक गिलास नींबू पानी रोज लें। अपने शिशु के खाने में नींबू के रस कुछ बूंद मिलाने से उसे कब्ज में राहत मिलेगी। घी, घी ब्यूटरिक एसिड का एक अच्छा स्रोत है जो भोजन के उचित पाचन में मदद करता है। कप से राहत के लिए गर्म दूध एक कप के साथ घी डाल के पीना एक अच्छा उपाय है। बच्चों के लिए दलिये में घी मिलाकर दें या उनके हाथ में पकड़ के खाने वाले रोटी में घी लगा के दे सकते हैं। आप बच्चों को घी स्वादिष्ट डिप के रूप में भी दे सकते हैं। अलसी या फ्लैक्सीड, शिशुओं में कब्ज को राहत देने के लिए अलसी एक बहुत अच्छा जरिया है। इसमें घुलनशील फाइबर और म्यूसिलेज होता है जो एक चिपचिपा गोंद की तरह का पदार्थ है।
आप दलिया, दही या स्मूदी में एक चम्मच अलसी मिलाकर अपने बड़े बच्चे को दे सकते हैं। छोटे बच्चे को इसे पाउडर बना के एक दो चुटकी उनके दलिया में मिलाकर दे सकते हैं। ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर में गुड़ रस मतलब मोलासेस होने की वजह से इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चे की बॉवल मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए ब्राउन शुगर के साथ गुनगुना पानी और एक चुटकी नमक देना लाभप्रद होता है। अजवाइन या कैरम सीड्स, अजवाइन अपच और कब्ज की समस्याओं में उपचार में बहुत माना जाता है। आप एक छोटा चम्मच अजवाइन एक कप पानी में उबाल लें और इसमें चुटकी भर गुड़ या नमक भी डाल सकते हैं। मिश्रण को छान लें और बच्चों को पिलाएं। अपने बच्चे को एक या दो चम्मच गुनगुना अजवाइन का पानी देते रहें दिन में 3 बार। ऐसे देने से उनको राहत मिलेगी। दालचीनी, नियमित बॉवल मूवमेंट्स के लक्षणों से राहत पाने में दालचीनी बहुत फ़ायदेमंद है। आप अपने बच्चे के लिए बनाए दलिए पर थोड़ा दालचीनी का पाउडर छिड़क कर उन्हें दे सकते हैं या फिर जूस में बड़े बच्चों को दालचीनी का थोड़ा पाउडर डाल के दे सकते हैं। पालक, पालक न केवल फाइबर में समृद्ध है बल्कि मैग्नीशियम का उत्कृष्ट स्रोत भी है। ये बॉवल मूवमेंट्स को नियमित करता है और पाचन क्रिया को मजबूत करता है। आप अपने बच्चे को हमारे यहाँ दिखाए हुए कोई भी व्यंजन बना के दे सकते हैं, जैसे पालक प्यूरी छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए पालक सूप या पालक मसूर खिचड़ी भी दे सकते हैं। फाइबर में समृद्ध सब्जियाँ, ब्रोकली, मटर, गाजर, बीन्स और फूलगोभी जैसी सब्जियां फाइबर में उच्च और बच्चों के अनुकूल होती हैं। इन सभी सब्जियों को मिलाकर विभिन्न प्रकार से खिचड़ी बनाई जा सकती है। बड़े बच्चों के लिए भी इन खिचड़ी व्यंजनों को बनाया जा सकता है, जो दलिया खिचड़ी है, दही और ओट्स की खिचड़ी है, साबूदाना खिचड़ी, या छोटे बच्चे को सब्जियों की प्यूरी बना के दे सकते हैं। ओट्स, ओट्स दोनों घुलनशील और अघुलनशील फाइबर में समृद्ध है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स, जो मल को नरम करने में मदद करता है। 1 कप ओट्स में 4 ग्राम फाइबर मिल सकता है, तो कब्ज को दूर करने के लिए ये बहुत उपकारी है। तो छोटे बच्चों के लिए ये 3 ओट्स पॉरेज बना के दे सकते हैं आप। बड़े बच्चों के लिए गाजर और ओट्स का दलिया, दही ओट्स की खिचड़ी, पालक ओट्स डोसा या इंस्टेंट ओट्स पैनकेक, ऐसे सारे रेसिपीज़ हैं वो आप बना के दे सकते हैं। और जौ या बार्ली, जौ फाइबर में समृद्ध है जो मल त्याग को आसान बनाता है। दैनिक आहार में जौ को शामिल करने के लिए जौ का सूप या पानी लेना अत्यंत लाभकारी है। आप ऐसे रेसिपीज़ हैं हमारे चैनल में जो बार्ली सीरियल, बार्ली खिचड़ी या बार्ली एप्पल पॉरेज, इनको आजमाएं, इनको आप बना के अपने बच्चे को दे सकते हैं। दलिया, दलिया में उपस्थित उच्च फाइबर सामग्री पाचन में मदद करती है। यह मल को एक सार करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। अपने नाश्ते में 1 कटोरी दलिया को उपयोग कर सकते हैं। दलिया पॉरेज, दलिया पनीर खिचड़ी, दलिया खिचड़ी मूंग दाल के साथ बना के इन व्यंजनों को आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। आशा है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी। अगर आप इसमें कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं और फिर भी बच्चा को आराम नहीं मिल रहा है, बहुत दिन तक सफ़र कर रहा है, मतलब बहुत दिन तक पेन के मारे, उसे छोड़िएगा मत। आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइएगा। जब भी होम रेमेडीज़ काम ना करें तो 1-2 दिन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है और तब वो मेडिसिन देंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा आपके तरह दूसरे पेरेंट्स के साथ। और हम मिलते हैं अच्छे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार और गुड बाय।